नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। लगते ही हर कहीं सावन उत्सव व रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लीक से हटकर महिलाओं और बच्चों के लिए राजधानी के अंबुजा मॉल में फैबुलस फेरी इवेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के ऑनलाइन मीडिया पार्टनर खबरची मीडिया रहा। वहीं इवेंट के थीम के अनुसार सभी प्रतिभागियों ने फेरी बनकर भाग लिया। इस इवेंट में फैशन शो के साथ ही साथ डांस कॉम्पिटिशन भी रखा गया। इवेंट आयोजक अनिल ज्योत सिंघानी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम के जरिए पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को मंच प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। देखिए, फैबुलस फेरीज का मतलब है खूबसूरत परियां, और हमने इसमें दो कैटेगरी रखी है, एक मिस एक मिसेज कैटेगरी रखी हुई है। इसमें हम लोगों ने फैशन शो के अलावा एक डांस कॉम्पिटिशन भी रखा हुआ है। दो खासियतें हैं इस प्रोग्राम की, एक तो सावन को लेके आपने देखा लेडीज़ कुछ उत्साहित रहती हैं, तो हमने कहा सावन में झूला लगता है, कृष्ण बनते हैं, ये होता है, ये हमेशा एक बहुत ही मोनोटोनस सा होता है, तो क्यों ना हम सावन को सेलिब्रेट करें कुछ डिफरेंट वे में। इसीलिए हमने इसका नाम भी फैबुलस फेरी रखा है। लोग देखिए यहाँ पे मयूर बन के आए हैं, जैसा सावन में मोर जो है, तो ऐसे बहुत सारे थीम में लोग आए हैं और यहाँ अभी फैशन शो हो रहा है, कर रहे हैं, डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है, ये लोग उत्साहित हैं। एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं हम, एक टैलेंट देना चाहते हैं लोगों में, जो टैलेंट है उसको सामने एक्सपोज करें, लेके आएं, फिर वे आगे के जो फर्दर कॉम्पिटिशन हैं उसमें भाग ले सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खबरची को, अंबुजा मॉल को, हमारे सभी स्पॉन्सर्स को जो हमेशा हमारे कार्यक्रम में साथ में रहते हैं। और एक बात मैं ज़रूर यहाँ बोलना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, कि वे जो पार्टिसिपेंट्स जो इस शो की रौनक बनते हैं और इस शो की बैकबोन बनते हैं और हमारे लिए हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहते हैं, थैंक यू। वहीं कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों ने बताया कि इस इवेंट के जरिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे आगे फायदा होगा। Very good program, and every time Anil Jostagani sir is doing this program to motivate every person to every child, they always participate in this because they can take their confidence very easily. ये जो competition sir जो organize करवाते हैं, इससे हम जो भी यहाँ पे जो participate है इनको इनका self confidence जो है वो develop होता है। जैसा कि सर ने कहा कि further आगे हम जो भी करना चाहेंगे उसके लिए सबसे main जो है confidence, वो हमें ये platform मिलता है जिसके वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। खबरची न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट।